नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पहले मी माझी ओळख करून देऊ। मी डॉक्टर शिल्पा भाट्या, कांदिवली मेडिकल असोसिएशनची सेक्रेटरी आहे। हे आमच्याकडनं पहिल्यांदा असं केलं आहे हे प्रोग्राम, ज्याच्यात सायलेंट गरबा म्हणून एक नवीन कन्सेप्ट आणलं आहे। हेडफोन वापरून आम्ही गरबा खेळणार, म्हणजे साऊंड पोल्युशन कमी होणार, नॉईज पोल्युशन कमी होणार आणि सगळे म्युझिक ऐकू शकतात। तर हे नवीन प्रकारचं कॉर्डलेस नॉईजलेस गरबा म्हणून आयोजित केलं आहे। कितने दिन का प्रोग्राम है? फक्त आजच्या दिवसाचा प्रोग्राम। किस तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? कांदिवली मेडिकल असोसिएशन के जो मेंबर्स है, सगळे मेंबर्स सगळे डॉक्टर मेंबर्स आहे। मग डॉक्टर मेंबर्स आणि त्यांचे परिवारचे लोक त्याच्यात येईल। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, वो बताइए। यह कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है फैलाना, नॉइज पॉल्यूशन कम करने का वो उद्देश्य है। जो कॉर्डलेस गरबा जो है उसमें जो इंडिविजुअल जो है वो एक एक आदमी को ही आवाज़ सुनाई देगा, बाहर पोल्यूशन नहीं रहेगा। नॉइज पोल्यूशन कम करने लिए हॉन्किंग फ्री जो आवाज़ जो नॉइज पोल्यूशन को स्टॉप करने का एजुकेशन उद्देश्य नवरात्रि का है। उद्देश्य नवरात्रि है। नॉइज पोल्यूशन अकर्स व्हेन एनी डेसिबल गोज अबाउ 85। So 85 is the regular range in which you can have no noise, hearing problems and all. Anything above 85 causes temporary or permanent hearing loss. So when we play garba, so the noise pollution goes above 120 to 150 decibels, which can cause a problem in hearing for almost 24 hours to 72 hours. So we want to prevent that. As doctors, we would like that we do not cause any harm to the society and to the people staying around also, and plus to the people participating today. અહીંયા આગળ બહુ સરસ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે, બધા ડોક્ટર્સ અને એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ અને પ્લસ બીજા બધા માટે રિલેટિવ્સ માટે બી રાખ્યો છે, અને એમાં ખૂબ જ સાયલન્ટ ગરબા એક નવો કોન્સેપ્ટ લાવ્યા છે, જેનાથી આપણા જે ન્યુસન્સ થાય છે બીકોઝ ઓફ નવરાત્રિ, તો એ ન થાય એના માટે સાયલન્ટ ગરબાનો કોન્સેપ્ટ લાવ્યા છે, જેનાથી એ આપણે કાનમાં હેડફોન્સ પહેરીને ગરબા રમવાના, જેનાથી હોલમાં મ્યુઝિક ના વાગે બટ એટલો જ આનંદ અને ઉત્સવથી આપણે ગરબા રમીને એન્જોય કરી શકીએ। સાયલન્ટ ગરબે કે થ્રુ હમ યહી મેસેજ દેના ચાહતે કે જીતના ધ્વનિ પ્રદૂષણ કમ હોગા તો હમ સબ મનુષ્ય જાતિ કે લિયે વો બહોત બહેતરીન હોગા, ક્યુંકિ અભી અભી હમ દેખેંગે તો કાન કે પ્રોબ્લમ સબકે બહોત હી બઢ રહે હૈ, ક્યુંકિ ધ્વનિ પ્રદૂષણ સભી જગહ હૈ, જૈસે કાર કે હોર્ન્સ બજ રહે ઓર બડે બડે લાઉડ સ્પીકર્સ હૈ, યે સબ અવોઇડ કરને કે લિયે હમ લોગ ને યે કન્સેપ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કિયા હૈ। जब भी पहले डॉक्टर उठाएंगे तभी लोगों को मैसेज मिलेगा। हम जानते हैं, आम आदमी नहीं जानता कि नॉइज से कितना नुकसान होता है। तो जब भी डॉक्टर ने उठाई है ये जिम्मेदारी, वही कि आम आदमी तक हम ये मैसेज पहुंचा सके कि हम जितना आवाज़ का पोल्यूशन कम करें हमारी सेहत के लिए अच्छा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने कांदिवली में बीड़ा उठाया है साइलेंट गरबा, आने वाले दिनों में हम मान सकते हैं कि ये पूरे मुंबई सहित गुजरात में भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे? जी हाँ, हम मानते हैं कि ये एक बार अवेयरनेस जैसे स्प्रेड होगी वैसे वैसे बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे और साइलेंट गरबा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयोजित करना शुरू करेंगे, बिकॉज नॉइज पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ चुकी है तो हमें उसको कट करना है। तो यही अवेयरनेस हम स्प्रेड करना चाहेंगे कि गरबा खेलो, एंडलेस खेलो, 10 बजे बंद मत करो, 11, 12, 1 बजे तक खेलो। वो सब एडवांटेज कॉर्डलेस में हो जाता है बिकॉज अपने को हेडफोन लगा है तो बाहर कोई नॉइज पॉल्यूशन ही नहीं होना है, तो इसका एडवांटेज सब लोग ले सकते हैं। ये आप जो बोल रहे हो कि ये लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते, बिकॉज जो खर्चा होता है हेडफोन हमको रेंट पर लाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द गुड स्पॉन्सर हमें स्पॉन्सरशिप मिला हम ये आयोजित कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इसका अवेयरनेस बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कॉर्डलेस का रेंट कम होएगा और मेरे ख्याल से ये फ्यूचर में यही इवेंट होना चाहिए। इट इज़ सिमिलर टू जैसे साइलेंट डिस्को बहुत जगह पे चालू हो गया है, ये उसी का एक कॉन्सेप्ट है साइलेंट गरबा जो हम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल रखना चाहते हैं देश के आगे कि ये एक पॉसिबिलिटी है। किसके थ्रू एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है, पार्टिसिपेट करने वाले लोग?
ये कांदीवली मेडिकल डॉक्टर एसोसिएशन है जिसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, तो इसमें सब पार्टिसिपेंट होने वाले सब डॉक्टर्स ही है कांदीवली के और उनके फैमिली मेम्बर्स है, ज़्यादा कोई आउटसाइडर्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको गायनेकोलॉजिस्ट मिलेंगे, फैमिली फिजिशियंस मिलेंगे, डेंटिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, सब तरीके के डॉक्टर्स है। हमारे 1200 मेंबर्स का स्ट्रेंथ है, तो आज हम 400 लोगों को यहाँ इन्वाइट करके हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बाकी लोगों को कब मौका देंगे आप खेलने का? नेक्स्ट टाइम, ये शुरुआत है। स्मॉल स्केल पे एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि हमको फियर था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, बट जो हिसाब से रिस्पांस मिला है अगले साल हम शायद इससे कुछ बड़ा करेंगे। सिर्फ कांदीवली तक ही सीमित रखने वाले या फिर इसको कांदीवली के बाहर भी लेके जाएंगे? नहीं, इसके बाहर भी लेके जाएंगे, जैसे बोरीवली लेके जाएंगे, मलाड लेके जाएंगे, मे बी अगले साल हम एक साथ में कोई एक नया बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं। थैंक यू सर। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।